और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। टिकैत ने कहा है कि 29 नवंबर को वो पार्लियामेंट जाएंगे, साथ ही 60 ट्रैक्टर पर 1000 किसान भी संसद पहुंचेंगे। अब सवाल उठ रहा है, इतनी बड़ी तादाद में संसद पहुंचने का क्या मतलब है? लाल किले को लहूलुहान करने वाले या जीवी अब संसद में साजिश करने वाले हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी मांग मान ली थी, तीनों कृषि कानून रद्द करने की बात कही गई, लेकिन उसके बाद भी ये गैंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आता हुआ और 1000 किसान संसद जाएंगे, ये बात राकेश टिकैत ने कही है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और कई सारे सवाल जो है वो सामने। टिकैत गैंग की नई धमकी है, 1000 किसान संसद जाएंगे, 29 नवंबर को ये बड़ी साजिश है, और सड़क पर कब तक रहेंगे आयाज जीवी, ये भी बड़ा सवाल। टिकैत की फिर ट्रैक्टर टेरर धमकी, लाल किले के बाद संसद से साजिश। देश के मुखिया ने दुनिया के सामने माना कि वह देश के किसानों को कृषि कानून के फायदे नहीं समझा पाए, इसलिए उन्होंने तीनों कृषि कानून की वापसी का ऐलान कर दिया। लेकिन पीएम के इस ऐलान से टिकैत एंड गैंग के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि लाल किले को लहूलुहान करने के बाद अब लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 29 नवंबर को 1000 किसानों के साथ संसद पहुंचेंगे। 60 ट्रैक्टर जाएंगे, पहले प्रस्तावित हमारे हैं, हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, सीधे रास्ते से जाएंगे। लाल किले ने तो कानून बनाए नहीं, कानून तो पार्लियामेंट पे बने, तो हम पार्लियामेंट पे जाएंगे और 1000 लोग का है, जैसे पहले 200 लोग गए थे, अब की बार 1000 लोग थे। पहले 200 किसान पार्लियामेंट जाने वाले थे, लेकिन गुमान में चूर राकेश टिकैत 29 नवंबर को 1000 किसानों के साथ संसद पहुंचने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अय्याज जीवी केंद्र सरकार पर अब क्यों दबाव बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि वो इस कानून को वापस ले रही है, पर टिकैत आंदोलन को बचाए रखने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसे बचाए रखने के लिए एक डिमांड लिस्ट तैयार की है जिसमें तमाम मांगे हैं। MSP पर कानूनी गारंटी, बिजली संशोधन विधेयक की वापसी, पराली जलाने पर किसानों पर दर्ज मामलों की समाप्ति, प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मामलों की वापसी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी, मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले करीब 700 किसानों के परिजनों को मुआवजा। देश के प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से जानते हैं कि कृषि कानून की आड़ में देश के अन्नदाता भोले भाले मासूम किसानों को बरगलाया जा रहा है। शायद इसी वजह से पीएम मोदी ने अपने समर्थकों की आलोचनाओं को अनदेखा किया और कृषि कानून रद्द करने का फैसला किया। लेकिन अब टिकैत एंड गैंग दादागिरी पर उतर आया है और ट्रैक्टर के साथ संसद पहुंचने की धमकी दे रहा है। लेकिन टिकैत को ये बात भी अच्छे से याद रखनी चाहिए कि लाल किले वाले मंसूबे इस बार कामयाब नहीं होने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट।